नमस्कार। पांचवी पर आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और टाइप तीन दो वीडियो आप देख चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो भी सवाल बता रहा हूं मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूं कि आपको वो दो सवाल ही देखने पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपने जो दो टाइप पढ़ा उसके बाद तीसरी टाइप है। तीसरी टाइप में ये है कि जब दो पासों की एक सतह समान हो, जब दो पासों की एक सतह समान हो। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि जब दो पासे दिए गए हो और दोनों में कोई भी सतह समान ना हो, यानी कि जो यहाँ लिखा हो यहाँ फिर दोबारा रिपीट ना हो, तो वो आपने पढ़ा कि उसमें कैसे लगता है। लेकिन इसमें ये है कि दो पासे दिए हैं और इसमें एक अंक दोनों में कॉमन है, जैसे कि दो दो, ये दो देखिए कॉमन है। वो जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट वाली दीवार में है तो यहाँ भी लेफ्ट वाली दीवार में हो, यानी इस पूरे पासे में कहीं भी अगर अंक जो है वो इसमें रिपीट हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो आपने लिखा है कि जब दो पासों की एक सतह समान हो वो नियम लागू होता है। तो यहाँ पर इस पासे में ये दो कॉमन है, एक तीन यहाँ है उसके बाद एक तीन नहीं, यानी कि एक ही सतह समान है। ध्यान दीजिएगा, दो सतह समान ना हो, सिर्फ एक सतह समान हो, तब क्या करते हैं, विलोम जब निकालना होता है तो ये बहुत ही सरल होता है और इसे क्लॉकवाइज लिख करके इसका विपरीत निकाला जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे पूछा जाए कि एक का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा या फिर दो का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले इसे क्लॉकवाइज लिखते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं जो अंक दोनों में कॉमन है, जैसे कि यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, तो सबसे पहले दो लिखिए और दो के बाद क्लॉकवाइज लिखना है आप, यानी कि दो के बाद एक। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, दो उसके बाद एक उसके बाद तीन, फिर से यहाँ पर जो अंक कॉमन है उसको उसके नीचे और इसे भी क्लॉकवाइज जैसे सुई चलती है, दो के बाद चार और चार के बाद पांच। तो इस तरह से तीन का विपरीत हो जाएगा पांच या पांच का विपरीत तीन, एक का विपरीत चार और चार का विपरीत एक, और फिर दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत दो तो होगा नहीं, तो दो का विपरीत वो होगा जो इनमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है, छह। तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह या छह का विपरीत दो। तो ऐसा कब हुआ, जब दो पासे हों और उनकी एक सतह समान। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। इसमें दो पासे बने हैं, यहां पे लिखा हुआ है तीन एक पांच, पांच दो चार, इसका हमें विपरीत बताना है, तीन का विपरीत बताना है या एक का या पांच का। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सतह समान है, जैसे यहाँ पांच है तो यहाँ भी पांच है। ठीक है, एक सतह समान है, तो जो सतह समान है उसको मैं गोला कर दे रहा हूं और इसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, पांच उसके बाद तीन उसके बाद एक, यहां भी पांच दो और उसके बाद क्या है, चार। समझ गए होंगे, एक का विपरीत चार या चार का विपरीत एक, तीन का विपरीत दो या दो का विपरीत तीन, पांच का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत वो होगा जो इनमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, एक है दो है तीन है चार है, यहां भी छह नहीं दिख रहा है, तो यहां पर पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, छह। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दो पासे हो और उनकी एक सतह समान हो तो सवाल कैसे लगता है। ठीक है, अब सिर्फ दो टाइप और बचा है, इसे आप अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पॉज करके एक बार रिवर्स करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके बाद दो टाइप और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के जो एग्जाम होने वाला है ग्राम विकास अधिकारी का और उसके बाद आरपीएफ का, एसआई का और जो भर्तियां आएंगी, उसमें रीजनिंग का कोई अलग अलग सिलेबस नहीं होता है, कहीं लो होता है कहीं हार्ड होता है, ऊंचे लेवल का होता है। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप चाहे जिसकी परीक्षा दीजिए, चाहे ग्रुप डी की दीजिए, चाहे दीजिए आप सीजीएल की दीजिए और चाहे ग्राम विकास अधिकारी की, कहीं भी दीजिए, पासे पर जो सवाल आएगा आपका गलत नहीं होगा, मेरा उद्देश्य ये है। और आप एक बार
इसे देखिए और अपने मित्रों में इसका प्रचार करिए ताकि मेरे चैनल का विस्तार हो। थैंक यू।